हेलो नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पर। और आज हम हैं रेगुलर सीरीज में जो कि हम पहले से कंटिन्यूअस करते आ रहे हैं। अब तक हमने 10 क्लॉट टेस्ट पूरे करे और आज हम करने वाले 11 क्लॉट टेस्ट। एंड दीज क्लॉट टेस्ट आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एसएससी लाइक बैंकिंग एग्जाम्स। तो जस्ट स्टार्ट राइट नाउ, क्लॉट टेस्ट का 11 पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। और सबसे पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले हम वोकेबलरी देखा करते हैं। तो आज के क्लॉट टेस्ट में ये कुछ वोकेबलरी आप देख सकते हैं। अकॉम्प्लिशमेंट आपको दिया हुआ है जिसका मतलब हो जाता है उपलब्धि, मतलब एक प्रकार से जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो वो एक उपलब्धि के रूप में बदल जाता है। सेकेंड आपको दिया हुआ टेंट, टेंट बनता है टेंडेंसी से, जैसे एक व्यक्ति की टेंडेंसी होती है, फ्लेयर होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो सोच रहा क्या है या उसका झुकाव किस तरफ है, तो एक प्रकार से झुकाव होता है टेंट। वर्कोलिक होता है काम में डूबे रहना, जैसे आप लोग देखा करते हैं कई लोग बिल्कुल अपने कार्य में फुल्ली डूबे रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो पढ़ने को लेकर के हो या फिर कोई व्यक्ति अपने काम में डूबा हो, वो वर्कोलिक होलाता है। तो इसको कह सकते हैं वर्कोलिक, जैसे होता ना एल्कोहल लेने के बाद में पूरी तरह से डूब गया, वैसे वर्क का भी एल्कोहल होता है एक प्रकार से। तो सेल्फ वर्थ मतलब आत्मसम्मान होना, देखिए वर्थ जो होता है वो क्वालिटी को बताता है, गुणवत्ता को बताता है, वैल्यू को बताता है, और सेल्फ मतलब खुद की वैल्यू, खुद की, तो आत्मसम्मान हो गया। अनरीजनेबल छोटा सा वर्ड है, इजी वर्ड है, कारण, देखो रीजन होता है किसी चीज का कारण और अनरीजनेबल होता है बिना कारण के। उसके बाद में ऑब्स्टेकल, वैसे तो बहुत ईजी वर्ड है लेकिन इसको लेने का एक रीजन था क्योंकि ऑब्स्टेकल में ध्यान से सुनिएगा एक मीनिंग है, एन ऑब्स्ट्रक्शन दैट स्टैंड्स इन द वे, मतलब इसका यूज हो गया कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते के दौरान जो बाधाएं हमें मिलती हैं ऑन वाइल वॉकिंग, सो हम उनको कह सकते हैं। और एक देखिए सबसे कमाल की चीज है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्टेकल के अंदर आता है, मतलब कभी आपको फ्यूचर में दोनों ऑप्शन में एक ही जगह मिलते हैं आपको तो आप ऑब्स्टेकल को प्राथमिकता ज्यादा देंगे बिकॉज ऑब्स्टेकल बड़ा होता है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट की तरह ही होता है, आपको याद रखने में इजी हो जाएगा, जस्ट लाइक प्रोटेक्ट जस्ट लाइक प्रोट्रैक्ट, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, संरक्षण करना, सुरक्षा कर लेना, एक चीज को रिजर्व कर लेना। तो चलिए ठीक है शुरू कर देते हैं आज का क्लॉट टेस्ट। और ये है आज का क्लॉट टेस्ट, छोटा सा है, लग रहा तो आपको बड़ा होगा पर वैसे बोर्ड के हिसाब से आपको थोड़ा सा लग रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं पहले एक बार पूरा पढ़ना चाहेंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। वी बिलीव आवर वैल्यू इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ आर अकॉम्प्लिशमेंट, इफ वी कैनॉट अकॉम्प्लिश सर्टेन रिजल्ट्स वी टेंड टू फील डैश अबाउट आवरसेल्व्स, सम ऑफ अस ट्राई टू हार्ड एंड बिकम वर्कोलिक एंड ओवर अचीवर्स विद अ व्यू अ फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स सेल्फ वर्थ, वी ट्राई टू क्रिएट सम एंड प्रूव दैट वी आर समबडी बाय आर सक्सेसेस एंड डैश बिकॉज आवर डिजायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट, वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन आवरसेल्व्स, फेलिंग रेदर देन एनकरेजिंग अस टू हैव रियलिस्टिक एस्पिरेशंस ओनली लीड्स टू मियर पनिशिंग राउंड ऑफ सेल्फ ब्लेम एंड रिजोल्व टू ड्राइव आवरसेल्व्स हार्डर नेक्स्ट टाइम, वी डू नॉट फाइनली अचीव आवर गोल्स, वी आर डैश डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन वी स्टिल फील डैश इनसाइड। देखिए पढ़ने से इंस्टेंट इतना जल्दी तो मीनिंग पता नहीं चल जाता बट इतना एक आइडिया जरूर हो जाता है कि हमें कुछ वर्ड्स तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक हो जाते हैं और वो वर्ड जो है हमें हेल्प कर जाते हैं आगे हमारे ऑप्शन को फील करने में। तो ध्यान से देखिएगा, पहला जो फीलर है हम उसको फील करने जा रहे हैं और बाय रीडिंग, वी बिलीव आर वैल्यू इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ आर अकम्प्लिशमेंट्स। देखिए ये छोटा सा लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी वैल्यू को किसके समानुपात मानने की कोशिश करता है, जो उसने उपलब्ध कर लिया, मींस जितने उसने प्राप्त की उपलब्धियां। जैसे होता ना एक इंसान की वैल्यू बढ़ती है कब, जब वो कुछ अच्छा बन जाता है, एक पोस्ट उसके पास होती है या मान लीजिए कि एक रेपुटेड पोस्ट जैसे वो ले लेगा तो सामने लोगों के बीच में उसकी एक रेपुटेशन बढ़ जाती है। तो एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि वैल्यू इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ आर अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट की जो हमारी की हुई जो वैल्यू प्राप्त की हुई है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बराबर होती है। If we cannot accomplish certain result, यदि हमारे पास में ऐसे result हमें नहीं मिल पाते जो संतुष्ट कर दे, जो निश्चित हो, we tend to feel, और हम हमारी जो प्रवृत्ति होती है महसूस करने की, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग कैसी हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि एक एग्जाम में फेल हो गए तो एग्जाम में फेल होने के बाद में एक स्टूडेंट कैसा महसूस करता है आप ही देख लीजिए, पॉजिटिव फील करेगा, नेगेटिव फील करेगा, ऑब्वियसली बात है खुश तो होने से रहा, दुखी होगा, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो फील कैसा करेगा जब सर्टेन रिजल्ट उसके पास नहीं आएंगे, उसके एग्जाम में फेल हो गया तो कैसा फील करेगा वो, लो फील करेगा, हाई फील करेगा, बेटर फील करेगा, गुड। देखिए गुड, बेटर और हाई तीनों एक ही पैटर्न पर आंसर जा रहे हैं,
तो इसका मतलब हो गया डेफिनेटली वो डिमोरलाइज फील करेगा, वो हतोत्साहित फील करेगा, और ये उसके लो शब्द उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्लोज हो गया, तो नेगेटिव ही इसका सेंस जाएगा वर्ड के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेट बात है कि वो कैसा महसूस करेगा, लो महसूस करेगा। अब देखिएगा आगे एक बार के, ठीक है चलो नहीं मिला रिजल्ट तो लो महसूस करा। सम ऑफ अस ट्राई टू हार्ड, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, हार्ड करते हैं, बिकम वर्कोलिक, ज्यादा से ज्यादा कार्य में डूबने की, एंड ओवर अचीवर्स, और कोशिश करते हैं कि बहुत सारा हम अचीवमेंट कर ले, ठीक है, विद अ फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, जेन्युइन होती है, ऑफ सेल्फ वर्थ, अपने सम्मान को लेकर के, ये बिल्कुल सब में होती है, हर कोई व्यक्ति अपने सम्मान को लेकर के पॉजिटिव फील करता है कि उसका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। We try to create some and prove, हम कोशिश करते हैं कुछ बनाने की और ये प्रूव भी करते हैं that we are somebody by our successes, कि हम उन लोगों की तरह हैं, हम उनकी तरह हैं जो क्या प्राप्त कर लेते हैं, सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि सक्सेस बोलना ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड, मतलब गुड सेंस आ रहा है, और आप ले रहे हो एंड, यहां पर एंड का एक नियम होता है कि हमेशा दोनों तरफ चीजें बराबर आती है, इधर नाउन नाउन वर्ब वर्ब एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब, यही के साथ साथ अगर आप एक वर्ड नाउन ले रहे हो तो उधर भी डेफिनेट नाउन लोगे, लेकिन अगर ये पॉजिटिवली है तो डेफिनेटली एंड के बाद वाला शब्द भी हमेशा पॉजिटिव अर्थ ही देगा। लेकिन अब आप देखिए इधर सक्सेस बोल रहे हो लेकिन इधर तो एंजाइटी निकल कर क्या रही है, जो कि नेगेटिव सेंस का अर्थ है, तो कट हो गया। इधर देखिए बाधाओं की बात हो रही है, अब आप सक्सेस के साथ साथ बाधाएं नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों तरफ एंड से जुड़ने वाले शब्द हमेशा पॉजिटिव सेंस आने चाहिए। ये क्लोटेस्ट का एक हमारे को एक इंडिकेशन होता है कि आप इन फ्यूचर कभी भी कोई क्लोटेस्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आगे भी आपको ऐसे पॉजिटिव दोनों तरफ वर्ड्स लेने। अब ये बोल रहा है एक्शंस और ये बोल रहा है अचीवमेंट्स, पीछे से हम बार बार एक वर्ड पढ़ते आ रहे, अकॉम्प्लिशमेंट, उपलब्धिया, उपलब्धिया, और सक्सेस हुई है तो एक्शंस नहीं, सक्सेस के साथ में क्या जुड़ जाते हैं, उसके अचीवमेंट्स जुड़ जाते हैं, एक्शंस नहीं जुड़ते, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक्शन से ही क्या मिलते हैं, अचीवमेंट्स मिलते हैं। एक्शन तो हो गए क्योंकि सक्सेस मिली इधर, तो डेफिनेट बात है एक्शन के बाद में ही हुआ होगा, अब एक्शंस नहीं कनेक्ट हो गए, अब क्या कनेक्ट होंगे, अचीवमेंट्स कनेक्ट होंगे, सक्सेस और अचीवमेंट दोनों बराबर पलड़े पर काम करते हैं। ओके, होप समझ में आया होगा आपको, बिकॉज आर डिजायर फॉर परफेक्शन, हमारी जो इच्छा होती है हम अपने आप को परफेक्शन बनाने की, पूर्ण करने की, अच्छा बनाने की, इज सो ग्रेट, वो बहुत अच्छी है, मानते हैं सबकी इच्छाएं बड़ी बढ़िया होती है, हर कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं लेकर के आगे बढ़ता है, ठीक है। We dash to set unrealistic goals, हमें क्या सेट करना होता है, अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करना होता है। अब देखिए यहां पर एक चीज हमें मदद करेगी, क्रेव, कम, विश और टेंड, चारों वर्ड्स लगभग ठीक ठाक से हैं, विश मतलब इच्छा रख रहा है, कम मतलब ठीक है आप समझ गए, क्रेव का मतलब इच्छा होता है, क्रेव और विश में इतना अंतर होता है कि तीव्र इच्छा का अर्थ होता है, क्रेविंग मतलब तीव्र इच्छा और ये केवल इच्छा, पर मैं आपको बता देता हूं सेम पैटर्न आपको एक बार पहले भी दिया हुआ है और ये हमारा हेल्प होगा बी आर से, बी आर मतलब बैकवर्ड रीडिंग, तो ध्यान से देखिएगा, वी टेंड टू फील अबाउट आवरसेल्फ्स, एक बार यहां दिया और यहां पर भी वही बात है, वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक, तो इधर भी आपको क्या दिया होता है 2 प्लस वी 1 और इधर भी आपको क्या दिया हुआ 2 प्लस वी 1, इसका मतलब एक चीज खास है कि यहां पर हम क्या ले लेंगे टेंड। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 प्लस वी 1 की वजह से मैं टेंड ले रहा हूं, नहीं, ऐसे तो विश भी आ सकता है उसके साथ में भी 2 प्लस वी 1 आ सकता है, लेकिन एक बैकवर्ड रीडिंग की जो हमारे को हेल्प मिल रही है वो सीधी डायरेक्ट यहां पर अटैक हो रहा है कि वी टेंड टू फील और यहां पर हम बोल रहे हैं वी टेंड टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, और बिल्कुल सही भी है, बैकवर्ड रीडिंग हमें हेल्प कर रहा है। अब आगे देखिएगा, फिर हम आ गए फोर्थ ऑप्शन पर, थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार, वी टेंड टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड, ठीक है जो भी हमारी अनरीजनेबल कारण डिमांड्स को हम रख लेते हैं ऑन आवरसेल्फ्स, हमारे खुद की फेलिंग, जब ये फेल होती है रेदर देन एनकरेजिंग, किसके बदले में, एनकरेज करने के बदले में ये क्या होती है, फेल होती है, टू हैव अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस, तो ऐसी इच्छाएं रखना है क्यों, अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस रखना, एस्पिरेशंस भी क्या होती है एक प्रकार से इच्छा होती है महत्वाकांक्षा, ओनली लीड्स टू ए मियर पनिशिंग, अगर आप अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस रख रहे हो जो पूरी नहीं होगी, जो वास्तविकता में नहीं है, तो वो आपको पता है क्या देगी, वो आपको देगी मियर पनिशिंग, केवल सजा देगी, ठीक है ना, राउंड, ठीक है ना, मतलब आपको हर प्रकार से सजा देगी, हर प्रकार से, हर सेक्टर में आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, बोले तो फेल्योर मिलेगी, सेल्फ ब्लेम, और आप खुद को क्या करोगे इसके लिए, ब्लेम भी करोगे कि हाँ यार मैंने अनरियलिस्टिक जो है वो एस्पिरेशन रखी थी, एंड रिजोल्व टू ड्राइव आवरसेल्फ्स, ठीक है ना, और रिजोल्व करना, ड्राइव आवरसेल्फ, और उसको खुद को ही आपको रिजोल्व करना पड़ेगा, हार्डर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम जितनी बार आप आगे बढ़ते जाओगे उतना हार्डर आपके लिए होता जाएगा, इफ वी डू नॉट फाइनली अचीव, और अगर हम अंत में जाकर के भी अचीव नहीं करते हैं किसको, अपनी इच्छाओं को, अपने अचीवमेंट्स को,
आर गोल्स, हमारे अपने गोल्स को अगर नहीं मान लीजिए कि हमने अचीव किया तो क्या परिणाम होगा आप ही देख लीजिए। अगर नहीं अचीव किया, जब यहां पर आप लोग कैन नॉट अकॉम्प्लिश कर रहे थे तो यहां पर भी क्या आ रहा था, एक प्रकार से नेगेटिव हो रहा था। यहां पर भी नहीं हुआ तो यहां पर भी डेफिनेट सी बात है आपके सामने ऑप्शन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो खुश तो होंगे नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपनी अपने गोल्स को अचीव नहीं करता तो वो क्या ग्लैड होता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि वो खुश होगा, उसका रिजल्ट बताएगा। अच्छा तो वो क्या चापलूसिया करता फिरेगा? नहीं, चापलूसिया क्यों करेगा, चापलूसी तो तब होगा जब किसी व्यक्ति की बात हो रही हो जिसके बारे में बताया जाए। अच्छा क्या वो सुरक्षित हो गया, वो अगर अचीव नहीं कर रहा तो हो ही नहीं सकता, वो क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड होगा। डेफिनेट बात हमारे सामने यही मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। वी डू नॉट फाइनली अचीव आवर गोल्स, वी आर डिसअपॉइंटेड, तो हम क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। अब फाइनली देखिएगा पांच नंबर पर क्या बोल रहा है, डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन, जितना कुछ भी हमने कर लिया उसके बावजूद भी होता है क्या है, वी स्टिल फील, हम अभी तक भी क्या फील करते अपने अंदर ही अंदर, मतलब सफलता नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ करके देख लिया, अब वी स्टिल फील, हम अभी तक भी क्या फील करते हैं, अब सब कुछ होने के बाद भी हम क्या फील करें अपने आप में, अच्छा सम्माननीय कैसे फील करेंगे जब कुछ प्राप्ति नहीं किया, तो लोगों से सम्मान कैसे मिलेगा, हो ही नहीं सकता। और जब सम्मान नहीं हो रहा तो सेटिस्फेक्शन तो कहां से हो जाएगा, कैसे सेटिस्फेक्शन भी तब होता है ना कि आपने कोई काम किया और उसमें आपका बढ़िया रिजल्ट है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन सोल्व किया आपको आ गया उसका, तो सेटिस्फाई होता है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। अच्छा लाइवली मतलब जिंदा फील करते हैं कि आप जी रहे हैं, श्वास आपको आ रहा है और आप लोगों के बीच में, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं हो सकता। आप अपने आप में कैसा महसूस करेंगे, खाली खाली। अगर मैं तो बोलता हूं यहां पर अगर एक वर्ड ऐसा होता ना डार्क जोन वाला, ब्लिक ग्लोमी, तो पहला आप उसका ऑप्शन में लेके जाता है कि आप अपने आप को उदास, दुखी और अंधकार के रूप में, अंधकार में फील करेंगे। तो एक ही बात है, एम्प्टी आ गया, तो एम्प्टी का मतलब ही क्या होता है, खाली खाली सा, कि कुछ भी नहीं है, वीरान सी जिंदगी है। तो ये सॉरी ये आपका फाइनल आंसर होगा। और हमने एक के बाद एक पांच ऑप्शंस कंप्लीट किए, आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज हल्की सी मॉडरेट लेवल की लैंग्वेज थी, लेकिन अच्छी थी, कम से कम आप अगर एक बार सोल्व करते हैं तो ऐसे क्लॉट टेस्ट आप इजीली कर सकते हैं, बट फेस करना जरूरत होता है, कहते हैं ना कि शुरुआत नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। चले एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो के लिए, और आप यूं ही कनेक्ट रहिए और वॉचिंग करते रहिए, आगे आपको हेल्प मिलती रहेगी। थैंक यू।